The Lallan Top Show is brought to you by My Store App. Her store online. कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है My Store App। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। My Store अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्ते, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज किस बात पर आंसू आ गए? बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद कौन खुश है और कौन मायूस, और चमोली हादसे में अब क्या सामने आया? देंगे इन सारे सवालों के जवाब, पर सबसे पहले दिन का ये वीडियो। इस वीडियो में आपको एक कांच टूटा हुआ नजर आया होगा। पुलिस के अधिकारी मौके पर हैं, समझाइश दे रहे हैं। अब जानिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। टूटे कांच वाले दफ्तर में गुजरात के वडोदरा में जिला पंचायत के चुनाव अधिकारी बैठते हैं। उनके दफ्तर में तोड़फोड़ की वाधोड़िया सीट से भाजपा के विधायक मधु श्रीवास्तव के समर्थकों ने। मधु श्रीवास्तव दबंग किस्म के नेता माने जाते हैं। उनके बेटे दीपक श्रीवास्तव ने वडोदरा नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 से निर्दलीय पर्चा भरा था। वो पहले यहीं से भाजपा के पार्षद थे। भाजपा ने अब नीति बनाई कि किसी भी नेता के पुत्र या पुत्री को टिकट नहीं मिलेगा या रिश्तेदारों को। ऐसे में टिकट गया वडोदरा की डभोई सीट से विधायक शैलेश मेहता के करीबी बताए जा रहे कार्यकर्ता आशीष जोशी को। आशीष ने दीपक के पर्चे का टेक्निकल ग्राउंड पर विरोध किया। गुजरात में नियम है कि जिसके 2005 के बाद बच्चे हुए हैं, दो से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा दीपक के तीन बच्चे हैं। दीपक ने अपने फॉर्म में दो बच्चों का जिक्र किया। दीपक ने सफाई में कहा जो तीसरी बच्ची है वो गोद ली हुई है। इसके बाद बात आई कि कुछ टैक्सेस हैं जो बकाया हैं। इस पर दोनों तरफ के समर्थकों का झगड़ा हो गया। दीपक का पर्चा खारिज हो गया और उसके बाद दीपक के पापा मधु श्रीवास्तव के समर्थकों ने चुनाव अधिकारी के दफ्तर में हंगामा किया, तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस आई, चुनाव अधिकारी ने पर्चा तो रद्द किया ही। इसके बाद स्थानीय पत्रकारों ने बताया कि घटना पर जब मधु श्रीवास्तव का पक्ष लिया गया तो उन्होंने पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी और ये भी कहा कि अब हम भाजपा को हराने के लिए काम करेंगे, ऐसा अखबारों में छपा है। गुजरात सरकार को चाहिए कि अपने यहाँ चुनाव अधिकारियों और पत्रकारों को अच्छी सुरक्षा दे ताकि कोई मदमस्त नेता सत्ता की हनक के दम पर या किसी दूसरे समर्थन की हनक के दम पर उन्हें धमका न सके। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी एमपी मध्य प्रदेश से। 13 जनवरी 2021 को हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में वन विभाग के डेप्यूटी फॉरेस्ट रेंजर ने शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर की पुलिस में शिकायत की। शिकायत में यह बताया गया कि उषा ठाकुर के समर्थकों ने जंगल में अवैध उत्खनन किया। 10 जनवरी को वन विभाग ने जब छापा मारा और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया तो उसके अगले दिन यानी कि 11 जनवरी की रात को माननीय मंत्री उषा ठाकुर तकरीबन 3 दर्जन समर्थकों के साथ वन विभाग के दफ्तर पहुंची। सरकारी कर्मचारियों को डराया धमकाया और जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ली गई। ये वन विभाग के अधिकारी का कहना है। हमने ये भी बताया था कि इंदौर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वन मंत्री विजय शाह ने यह जरूर कहा कि जांच कराएंगे। उषा ठाकुर ने जवाब में कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी निजी जमीन से मिट्टी और पत्थर की खुदाई कर रहे थे ताकि जंगल के रास्ते जाने वाली सड़क को सुधारा जाए, इससे उनके 500 वोटर्स को फायदा होता। अब इस मामले में अपडेट है, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसे मामलों में हमारे यहाँ की सरकारें किस तरह से काम करती हैं। गौर करिएगा, दुबे की तहरीर में शिकायत वन भूमि पर अवैध उत्खनन की थी। पहले तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। जब ये खबर देशभर में चलती है तो अचानक राजस्व विभाग की सीन में एंट्री होती है। राजस्व विभाग कहता है जहां सड़क बन रही थी वो राजस्व विभाग की जमीन है, वन विभाग नाहक इस पर दावा कर रहा है। फिर पुलिस राजस्व विभाग की बात का हवाला देकर उषा ठाकुर और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई से इनकार करता है। ये तो हुई पुलिस की बात, अब वन मंत्री विजय शाह जो जाँच कराने वाले थे उसकी बात कर लेते हैं। इनके आदेश के बाद प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी कि PCCF स्तर के अधिकारी मौके पर गए, फिर वन मंत्री को रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में क्या था हम नहीं जानते, लेकिन 19 जनवरी को खबर आती है कि डेप्यूटी रेंजर राम सुरेश दुबे का तबादला हो गया। उन्हें बड़गोंदा से मानपुर भेज दिया गया, यानी कि अब मामला उनके जुरिडिक्शन के बाहर का था।
अब आते हैं उस अपडेट पर जो देने के लिए हमने आपको ये सारी बातें बताई। क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इसलिए डिप्टी रेंजर ने 5,000 के इनाम का ऐलान किया है। ये पैसा उस शख्स को मिलेगा जो ये बताएगा कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी कहाँ हैं जो उषा ठाकुर और उनके समर्थक वन विभाग के दफ्तर से ले गए। आसपास के टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली जा रही है। डिप्टी रेंजर का कहना है कि वो अब भी बड़गोंदा में तैनात हैं और तबादले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। इस पूरे प्रकरण पर उषा ठाकुर का भी पक्ष है, वो भी सुन लीजिए। उनकी अतिवादिता विभाग उन्हें निश्चित रूप से, क्योंकि परीक्षण भी हुआ, वो जमीन राजस्व की निकली है, वन की है भी नहीं, तो इन सब तथ्य प्रमाणों के आधार पर निर्णय होगा और जो गलत होगा वो दंडित होगा। क्या फॉरेस्ट विभाग ऑब्जेक्ट कर रहा है? अब आप सब भी चौथे प्रहरी हैं, आप देखिए कि यदि कोई प्रमाणों को ना माने तो उसको आप पर हम क्या कहें? ये साजिश है, ये षड्यंत्र है। जमीन किसकी थी, किसने क्या खोदा, ये सारे सवाल एक तरफ कर भी दिए जाएं तो कोई मंत्री एक सरकारी दफ्तर से जब्त वाहन जबरन कैसे ले जा सकता है? ऐसे नाहक सवालों को क्या हम पीछे छोड़ दें? छोड़ देते हैं, क्योंकि अगली सुर्खी हमारा इंतजार कर रही है। पर आप अपने हिस्से के सवाल पूछते रहिएगा। दूसरी सुर्खी सरकारों के काम करने के तरीके से जुड़ी है। पिछले दिनों हमने देखा कि ट्विटर और केंद्र सरकार में खटपट चली। फिर देखा गया कि जिनके ट्वीट्स के निशाने पर सरकार थी, सरकार ने उनके अकाउंट को निशाने पर ले लिया। अब इस अभिनव पहल में महाराष्ट्र सरकार ने भी अपना नाम जुड़वा लिया है। दर्शक जानते ही हैं कि रियना और ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट के बाद अचानक भारतीय सेलिब्रिटीज ने किसान आंदोलन पर अपनी चुप्पी तोड़ी। एक बड़ी संख्या में सेलिब्रिटीज ने हमें साथ रहना है, घर की बात घर में रहे टाइप के ट्वीट किए। इस पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जांच के आदेश दिए। महाविकास आघाड़ी सरकार से जुड़े नेता बयान दे रहे हैं कि कई सेलिब्रिटीज ने एक जैसे ट्वीट किए, हो सकता है कि इनमें से कुछ पर भाजपा ने ट्वीट करने का दबाव डाला हो, इसलिए जांच जरूरी है। सेलिब्रिटीज को ऐसे दबाव से सुरक्षा देने के लिए ये किया जा रहा है। भाजपा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर पूछा कि क्या महाराष्ट्र सरकार इतनी बौरा गई है कि अब भारत रत्न के ट्वीट्स की भी जांच होगी? तो मामला कुल मिलाकर यह है मित्रों कि अभिव्यक्ति की आजादी और उसके माध्यमों पर हर कोई अपने अपने तरीके से छड़ी चलाने में लगा है और देश दर्शक बना है। अगर अभिव्यक्ति की आजादी है तो फिर कौन किसके पक्ष में ट्वीट कर रहा है, जब तक वो ट्वीट गलत नहीं है, अमर्यादित नहीं है या कानून व्यवस्था के लिए खतरा नहीं है, तब तक उसकी जांच कैसे? चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। तीसरी सुर्खी है दीप सिद्धू से जुड़ी। जी, 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर मार्च के दौरान हिंसा और लाल किले पर झंडा फहराने के मामले में आरोपी दीप सिद्धू हिंसा के दिन भी सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल रहा था। उसने 25 जनवरी को भी एक वीडियो डालकर कहा था कि कई किसान संयुक्त किसान मोर्चा वाले मार्च के रूट पर सहमत नहीं है, संगत के फैसले पर अमल किया जाए, और 26 जनवरी की हिंसा के बाद वो गायब हो गया। फरारी में भी वीडियो बना बनाकर फिर भी डालता रहा सोशल मीडिया पर। बीते हफ्ते दिल्ली पुलिस ने उस पर 1,00,000 का इनाम भी रखा था। दीप सिद्धू और मामले के एक और आरोपी लखा से धाना की तलाश में पुलिस ने पंजाब और दिल्ली में छापे मारे, फिर वो हरियाणा के करनाल में पकड़ा गया। सिद्धू और उसके भाई मनदीप सिंह को एनआईए पहले ही सिख फॉर जस्टिस से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए बुला चुकी है। अगली सुर्खी जुड़ी है इंटरनेशनल रिलेशन से। 8 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। बाइडेन के शपथ ग्रहण के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच बात हुई। बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि बाइडेन ने लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों की रक्षा का अपना प्रण दोहराया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने एक ट्वीट में जानकारी दी कि ये बातचीत दोनों देशों के साझा लक्ष्यों को लेकर है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन पर साथ मिलकर काम करेंगे। उस जुमले का भी जिक्र हुआ जिसका इशारा चीन की तरफ बताया जाता है, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। अब वैसे चीन का जिक्र आ ही गया है तो यह भी जान लीजिए कि चीन ने मोदी कैबिनेट में मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष वीके सिंह के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी। वीके सिंह ने 7 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई में कहा था कि चीन और भारत के बीच सीमा निर्धारित नहीं है, दोनों देश अपने अपने दावों के हिसाब से काम करते हैं। अगर चीन 10 बार एलएसी के इस पार आकर घुसपैठ करता है तो मेरा यकीन मानिए हम 50 बार उस तरफ जाते हैं। ये बयान सुनते ही चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा, दोनों देशों के बीच तनाव की वजह भारत द्वारा की गई घुसपैठ है। वीके सिंह के बयान का उन्होंने जिक्र किया और इसे अनविटिंग कन्फेशन बताया, यानी भूल से अपराध कबूल कर लेना। आखिरी सुर्खी जुड़ी है गिरफ्तारी से। पंजाब पुलिस ने आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से सरबजीत सिंह कीरत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस का दावा है कि लुधियाना का रहने वाला कीरत खालिस्तान समर्थक है। नांदेड़ पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस उसे अपने साथ
ले जा रही है। ऐसी एक गिरफ्तारी 8 फरवरी को लखनऊ में भी हुई। पंजाब और यूपी पुलिस की एक ज्वाइंट टीम ने जगदेव सिंह उर्फ जग्गा को गिरफ्तार किया। फिरोजपुर का रहने वाला जग्गा इससे पहले 2019 और 2020 में भी गिरफ्तार हो चुका है। उसे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी परमजीत सिंह पम्मा और मुल्तानी सिंह का साथी बताया जा रहा है। पम्मा फिलहाल ब्रिटेन में है और मुल्तानी जर्मनी में। आरोप है कि जग्गा अपने साथी जगरूप सिंह के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से बंदूक और कारतूस भी लाया था। जगरूप 7 फरवरी के रोज पुलिस के हाथ लगा था। ये सुर्खियां हैं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में सबसे पहले बात संसद की। संसद में आज वो जिसे देखने सुनने के आदि हमारे एक आंख कान नहीं है। आमतौर पर संसद में हंगामा, शोर शराबा या बहसों में तीखी नोक झोंक, ये ज्यादा देखने को मिलता है। राज्यसभा में हुए पूरे घटनाक्रम पर आएंगे, लेकिन पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते के हंगामे के बाद सोमवार से लोकसभा में कार्यवाही संयमित तरीके से चल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और अमित शाह के बीच एक झगड़ा भी चल रहा है। सोमवार को अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जब अमित शाह ने शांति निकेतन का दौरा किया तो उस कुर्सी पर बैठ गए थे जहां रवींद्रनाथ टैगोर बैठा करते थे, ये उनका अपमान है। इस पर आज अमित शाह ने लोकसभा में जवाब दिया, कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में गलत तथ्य रखे हैं, टैगोर की कुर्सी पर वो नहीं जवाहरलाल नेहरू बैठे थे। माननीय मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास दो फोटोग्राफ निकले हैं, श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था, ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं। तो इसके कारण मान्यवर इसके कारण उनके मन में गलतफहमी हो सकती है, मगर मेरा कृपया आपसे अनुरोध है कि रिकॉर्ड को स्पष्ट कर दिया जाए। लोकसभा में बंगाल से जुड़ा एक और प्रसंग। पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा एक विवाद में फंस गई हैं। 8 फरवरी को महुआ मोइत्रा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में बोल रही थी। इसमें उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसदीय नियमों का हवाला देते हुए महुआ के बयान पर आपत्ति जताई और स्पीकर से कार्रवाई की मांग की। सदन में पीठासीन स्पीकर एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि अगर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो उसकी जांच की जाएगी और उसके बाद उसे रिकॉर्ड से हटाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार महुआ मोइत्रा के बयान पर विशेषाधिकार हनन नोटिस यानी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी में थी, लेकिन लीगल ओपिनियन के बाद ये विचार त्याग दिया गया। सदन के किसी सदस्य पर विशेषाधिकार की कार्रवाई होने पर उसे चेतावनी देकर छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा गंभीर मामले में सदस्य को थोड़े टाइम या फिर स्थायी रूप से सस्पेंड भी किया जा सकता है। लोकसभा से कुछ और छोटे अपडेट्स भी हैं। एक सवाल के जवाब में आज गृह मंत्रालय ने बताया कि सरकार दोहरी नागरिकता का प्रावधान लाने पर विचार नहीं कर रही है। लोकसभा में आज दिल्ली दंगों का भी जिक्र आया। एक सवाल के जवाब में गृह मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस ने निष्पक्ष और उचित ढंग से तत्काल कार्रवाई की थी। लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने आज किसान आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों से बात करके सरकार कोई हल निकाले। ये सब हुआ लोकसभा में। अब चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा की आज बात कुछ और थी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी वाली भारतीय राजनीति का एक अलग रूप आज राज्यसभा में दिखा। सांसदों के आपसी निजी रिश्तों का जिक्र हुआ। दलगत राजनीति से ऊपर एक दूसरे के लिए तारीफें हुई। दुख दर्द के किस्सों का जिक्र हुआ। माहौल कई बार भावुकता के स्तर को पार कर गया और कुछ ऐसी बातें कि जिन्हें कहते कहते प्रधानमंत्री का गला भर आया, आंखें नम हो गई। ये सब हुआ राज्यसभा के चार सांसदों की विदाई के मौके पर। ये चारों जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के सांसद थे। कांग्रेस के सांसद गुलाम नबी आजाद, पीडीपी के नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाल, बीजेपी के शमशेर सिंह मनहास। पीडीपी सांसद नजीर अहमद लावे और बीजेपी के शमशेर सिंह मनहास का कार्यकाल 10 फरवरी को पूरा हो रहा है, जबकि गुलाम नबी आजाद और पीडीपी के मीर मोहम्मद फयाज का कार्यकाल 15 फरवरी को पूरा हो जाएगा। इन सभी सांसदों को आज ही राज्यसभा में विदाई दी गई। गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से संसद सदस्य हैं, सदन में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इसलिए उनका जिक्र सबसे ज्यादा हुआ। विदाई भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। कहा कि आजाद उन नेताओं में से हैं जो पार्टी से ज्यादा देश और सदन की फिक्र करते हैं। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया,
और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए, रात देर हो गई थी, प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया, वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पीएम मोदी के बाद हर पार्टी की तरफ से गुलाम नबी आजाद और रिटायर हो रहे जम्मू कश्मीर के तीन और सांसदों को विदाई दी गई। शरद पवार और बाकी नेताओं ने क्या कहा सुनिए। मैं अपने दल राष्ट्रीय जनता दल और अपनी ओर से तमाम रिटायरिंग साथियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं महज दो बातें कहूंगा माननीय सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे और जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हाउस में पूरा सन्नाटा था और वो सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा था कि गुलाम नबी जी जो अब आज़ाद भी हैं पूरी तरह, जो वो उन्होंने पद से अपना कद नहीं बनाया, उनका कद पद से इतर है। और मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है माननीय सभापति महोदय, आज जो मैं माहौल देख रहा हूं, सर सत्ता पक्ष विपक्ष बदल जाता है, लोगों की भूमिकाएं बदल जाएंगी, लेकिन लोगों के अंदर का जो मिजाज जो मर्म है वही संसदीय लोकतंत्र में स्मरण किया जाता है। माननीय आजाद साहब, मैं एक व्यक्तिगत वाक्य, सर मैं चुन के आया था, मेरा कोई संसदीय अनुभव नहीं था, विश्वविद्यालय से सीधे यहां आया था। पहले दिन मुझे पता नहीं था, कांग्रेस के एक सदस्य ने कहा कि वहां से होते हुए यहां एलओपी को भी ग्रीट करना है, मैं हड़बड़ा सा गया था, लेकिन जैसे ही मैंने पहली बार सदन में बोला, पहला कॉम्प्लीमेंट आजाद साहब की ओर से आया था, उन्होंने कुछ व्यक्तिगत सलाह भी दिए थे जिस पर मैंने अमल किया, और मैं आज के इस दिन के माध्यम से तमाम अपने दल की ओर से कहना चाहता हूं, आजाद साहब आप यहां आए कहीं जाए, लेकिन जो आपने हासिल कर लिया ना वो आपसे कोई ले नहीं पाएगा। शुक्रिया सर, जय हिंद। धन्यवाद। राजनीति में संघर्ष होते हैं, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि व्यक्तिगत सलोखा किस तरह से रखना चाहिए, इसका एक आदर्श उन्होंने हमेशा लिया।
जब वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे तब पूरी अपोजिशन के साथ उनके रिश्ते बड़े अच्छे रहते थे। हर दिन सभी अपोजिशन प्रतिपक्ष के जितने नेता लोग इन सभी के साथ एक संपर्क करके कोई समस्या उनकी हो तो वो जानकर वो हल करने के लिए उनका हमेशा सहयोग सब अपोजिशन के नेता लोगों को मिला। आपने बयान सुने, अब कविता सुनते हैं। ये कविता सुनाई मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने। राज्यसभा छोड़कर जा रहे गुलाम नबी, हम मिलते रहेंगे आपको कभी कभी। आपका नाम है गुलाम, आपका नाम है गुलाम, इसलिए मैं करता हूँ आपको सलाम। आपका नाम है गुलाम लेकिन आप हमेशा रहे आजाद, आप हम सभी को रहेंगे याद। 15 अगस्त को भारत हो आजाद लेकिन राज्यसभा से आप आज हो रहे आजाद। आप रहो हमेशा आजाद, हम रहेंगे आपके साथ, ये अंदर की है बात। मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, मोदी जी जम्मू कश्मीर का मजबूत करेंगे हाथ, और आपको देते रहेंगे साथ। तो आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप आदमी बहुत बड़े दिल के हैं, और आपने दोबारा इस हाउस में आना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आपको नहीं यहाँ लाती है तो हम लाने के लिए तैयार है, और यह आने कोई तकलीफ नहीं है कि मैं भी उधर। ये तो दूसरी पार्टियों की बात हो गई, खुद गुलाम नबी आजाद की पार्टी कांग्रेस से आनंद शर्मा ने उनका जिक्र यूं किया। सूती गांव भदरवा से एक व्यक्ति, एक नौजवान चल के यहां आए, और पहचान दिल्ली में हो, और पहचान करने वाले भी कौन, उस समय का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे लोग, और उसके बाद निरंतरता रही। जैसा शरद पवार जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने भी स्वीकार किया, राष्ट्र ने भी स्वीकार किया, और संगठन के अंदर कांग्रेस में कोई नहीं इन्होंने जो महामंत्री रहे हों हर राज्य के, चाहे केरल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, जिस राज्य से मैं आता हूँ उत्तर पूर्व हो, एक व्यक्ति है जिस जो पूरे हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान के एक एक राज्य का संगठन का प्रभारी रहा, ये गुलाम नबी आजाद है, दूसरा नहीं है। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ, मेहनत का श्रेय, ईमानदारी से काम करते हैं, जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको निभाते हैं, स्पष्टवादी हैं, इनमें शालीनता भी है, विनम्रता है, और ये व्यावहारिक बातों को समझते हैं कि किस तरह से सम्मान दिया जाता है साथियों को, साथ काम करने वालों को। इसके बाद सब तारीफों के बाद राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों ने बोलना शुरू किया। पीडीपी के नजीर अहमद लावे ने कहा कि वो संसद की खुशबू जम्मू कश्मीर लेकर जा रहे हैं, और इंशाल्लाह और मस्तान मैं यहां से जो मैंने सीखा वो मैं जाके जा रहा हूं, वो मैं कश्मीर जाके जा रहा हूं, और कश्मीर के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो देश है, हमारे देश में जो सांसद रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनके हमारे तही कितनी हमदर्दी है। जब भी मैंने विरोध किया जो कोई मसला था, तो यहां के चाहे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मेरे दोस्त जो मिले, मेरे पार्लियामेंट जो मिले, उन्होंने बोला कि हमारी कहां जरूरत है, अगर हमें कहीं कभी जख्म भी लगा तो सब लोगों ने वजीर अजम से मिलके या होम मिनिस्टर से मिलके उन्होंने बोला क्या करेंगे हम, कैसा, कहां पर हम जख्म को ठीक कर सकते हैं, और मैंने इनके नोटिस में डाल दिया। ये संसद जो है ये खुशबू है हमारे देश की, ये एक बहुत बड़ी खुशबू है हमारे, इस खुशबू को लेके मैं आज जा रहा हूं जम्मू कश्मीर। अब विदा नहीं हो रहे, आपकी यादें हमारे साथ है। नजीर अहमद के बाद दो और सांसदों ने अपने अनुभव रखे, और फिर गुलाम नबी आजाद ने संसद में अपने 28 साल के अनुभव का जिक्र किया और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है
कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान, और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से ये कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। जिस बात पर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए थे उसका जिक्र भी गुलाम नबी आजाद ने किया, और उन 5 घटनाओं का जिक्र जब वो दहाड़े मारकर रोने लगे थे। मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो इन बच्चों ने, जिसका किसी का पिता मर गया था, किसी की मां मर गई थी, वो रोते रोते मेरे टांगों से जब लिपट गए तो मैं जोर से, मेरी आवाजें निकल गई, ए खुदा ये क्या तुमने किया, मैं कैसे जवाब दूं इन बच्चों को, मैं कैसे जवाब दूं उन बहनों को जो यहां तफरी के लिए आए थे, सैर के लिए आए थे, और आज मैं लाशें लेकर इनके हवाले कर रहा हूं उनके माता पिता के। तो ये भावुक होने की जरूरी बात, आज हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आएगी तो बहुत याद आएगी। इस शेर के साथ गुलाम नबी आजाद ने बात खत्म की। आजाद की बहुत याद तो अब राज्यसभा में कांग्रेस को भी आएगी। 2014 के बाद से राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष हैं और कांग्रेस की एक मजबूत आवाज। फिलहाल कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा नहीं भेज पाएगी क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अभी विधानसभा नहीं है तो राज्यसभा के चुनाव नहीं होंगे। 15 फरवरी के बाद जम्मू कश्मीर से राज्यसभा में कोई सांसद नहीं होगा, किसी दूसरे राज्य से भविष्य में भेजा जा सकता है। गुलाम नबी आजाद पहली बार 1980 में महाराष्ट्र की वासिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। ये संजय गांधी का प्रयोग था नेताओं को अलग अलग सीटों से, जहां से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, चुनाव लड़वाना। 1990 में वो पहली बार महाराष्ट्र से ही राज्यसभा के सांसद बने। 1996 में जम्मू कश्मीर से राज्यसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री बनने के बाद अप्रैल 2006 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। 2009 में फिर से जम्मू कश्मीर के रास्ते राज्यसभा पहुंचे। गुलाम नबी आजाद गांधी परिवार के भरोसेमंद रहे हैं, लेकिन हाल में उन्होंने कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर सवाल उठाए थे, जिसके बाद कुछ तल्खियां बढ़ने की खबरें आई थी। पार्टी में कुछ सुधारों को लेकर कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में लाना चाहती ही है तो अप्रैल तक इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल में केरल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसमें से एक कांग्रेस आराम से दोबारा जीत जाएगी। हालांकि इसकी संभावना कम है कि केरल से गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा भेजा जाए, और अगर ऐसा होता है तो भी कांग्रेस को अभी राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष तो बनाना ही पड़ेगा। आजाद के बाद आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा में हैं। खड़गे के नाम की ज्यादा अटकलें हैं, इसका फैसला जब होगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में आज उत्तराखंड में चमोली त्रासदी के पीड़ितों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। गृहमंत्री अमित शाह ने सदन को हालात की जानकारी दी। गृहमंत्री ने बताया कि सुरंग से एनटीपीसी के 12 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि एक और सुरंग में अभी भी 25 से 35 लोगों के फंसे होने की आशंका है। आईटीबीपी ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है और उनके 450 जवान सभी जरूरी साजो सामान के साथ घटनास्थल पर राहत और बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एनडीआरएफ की 5 टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव अभियान में लगी हुई है। आर्मी की 8 टीमें, जिसमें एक इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल है, घटनास्थल पर बचाव कार्य कर रहा है। एक मेडिकल कॉलम
और 2 एम्बुलेंस भी घटना स्थल पर तैनात है। नेवी की एक गोताखोर टीम भी घटना स्थल पर तैनात की गई है। एयरफोर्स के 5 हेलीकॉप्टरों को भी इस कार्य में लगाया गया है। जोशी मठ में भी प्रशासन द्वारा एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। घटना स्थल पर विपरीत परिस्थिति में भी घटना के बाद से ही लगातार राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया था। हमें उम्मीद है कि सुरंग में अभी भी जो फंसे हैं वो अपनी आपबीती सुनाने के लिए जिंदा सकुशल बाहर निकलेंगे। सैलाब की वजह से ऋषिगंगा नदी पर बना पुल टूटा था, जिसकी वजह से 13 गांव पूरी तरह से कटे हैं। इस पुल को भी दोबारा बनाने की कोशिश चल रही है। गांव के लोगों तक फिलहाल हेलीकॉप्टर के जरिए राशन पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया और कुछ नई जानकारियां दी। ये रणनीति बनी है कि क्या वहां एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में उत्तराखंड के साथ बेहतर सहयोग के लिए आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 3 मंत्रियों की कमेटी बनाकर भेजी। इसमें सुरेश राणा, विजय कश्यप और दर्शन सिंह सैनी शामिल हैं। टैलेंट टॉप की टीम से हमारे साथी सिद्धांत, मोहन और मनोज इस हादसे की ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। वो चमोली गए, उनकी वहां से ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धांत नाम है मेरा, जेरी वीडियो जर्नलिस्ट, हम दोनों इस समय तपोवन में हैं। तपोवन इलाके का नाम है ना जी। इस सामने आपको डैम टूटा हुआ दिख रहा है। ये डैम जब रेडी के पास ग्लेशियर फटता है, ग्लेशियर फट के पानी नीचे आता है तो इस डैम से होता हुआ गुजरता है। और सामने आपको टूटा हुआ डैम दिख सकता है, मलबा दिख रहा है। और जैसे मैं बता दूं सर लोगों को, ये लोहे की सरिया जो आपको सामने दिख रहा है, जेरी दिखाना जरा सा, ये आपको ताड़ के पत्ते की तरह जो फैली हुई चीज़ें दिख रही हैं, लोहे का सरिया है। दरअसल काफ़ी हार्ड एंड सरिया होता है, लेकिन पानी का फ्लो इतना ज़्यादा था 7 फरवरी के दिन कि ये पूरा ऐसे ये फैल गया है। ये मतलब मुड़ के ऐसा हो गया है सरिया, आप देख सकते हैं पूरा। और ये टनल है। अब जैसे ये रास्ता जैसे आ रहा है, जेरी मैं दिखा दूं यहाँ पे, ये रास्ता आ रहा है, इसके नीचे एक टनल है, इस जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे से एक टनल है। टनल लगभग 1.5 से 2, हाँ 4 टनल है। देखिए आप, 4 टनल की लेंस बनी हुई है, 1, 2, 3, 4, चौथी टनल का पूरा जो घाट है वो डूबा हुआ है। ये तीसरी, ये दूसरी, ये पहली टनल से सीधे सीधे मलबा इधर इसके अंदर होते हुए सीधे जोशीमठ तक चला गया है। जोशीमठ जो यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है, मतलब 9-10 किलोमीटर की हम रोड डिस्टेंस बता रहे हैं, लेकिन इसके नीचे अंदरूनी 1.5 से 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। और कुछ लोग हैं जिनके जिन्होंने इस घटना को सामने से देखा है, आसपास के गांवों में रहने वाले हैं। और बड़ी बात यह है, और इसको बड़ी बात कहा जाए कि ना कहा जाए, इस पर सवाल भी उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये लोग, इन लोगों ने अपने घर वालों को खोया है इस घटना में, और अभी भी इस आस में यहाँ रुके हुए हैं कि उनके बारे में कोई सूचना मिलेगी तो उनसे हम बातचीत करते हैं और कहानी जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? महिपाल सिंह जी। महिपाल सिंह जी। आपका भैया? मेरा राजेंद्र सिंह रावत। राजेंद्र सिंह रावत जी सर। आपका नाम सर? गोपाल सिंह रावत। गोपाल सिंह रावत। रावत सर आपका? गोविंद सिंह फरसवान। गोविंद सिंह फरसवान। फरसवान जी जी। तो अब जैसा आप देख सकते हैं, रेस्क्यू आगे नीचे टनल है, रेस्क्यू की गाड़ियां जा रही हैं, चॉपर घूम रहा है लगातार, 2 चॉपर घूम रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हमको बताइएगा सर, कई लोगों ने मुझे बताया कि जब पानी आया ऊपर से, आपने तो घटना ऊपर से देखी थी ना, क्या कर रहे थे उस समय आप? सर हम दुकान में बैठे थे। कहाँ पे दुकान? जी तपोवन में, बीच मार्केट, मेन मार्केट में सर। तो जैसे ही मुझे मेरे ससुराल से फोन आया, मेरे ससुराल रेनी गाँव के पल्ली पार है सर, पीछे पल्ली पार सर, हाँ हाँ सर, वहाँ से उनको धुआं दिखा। ये जगह से आए सर, वो ग्लेशियर इसके बीच से, ये रेनी वाली नदी है, ये ऋषिगंगा नदी है, वहाँ से आया। ठीक है जी सर, जैसे मुझे फ़ोन आया तो हमको ऐसा लगा कि फोन पे क्या कहा गया सर, ये नदी में धुआं टाइप का आ रहा। अच्छा, कि, वो बोले कि तुम कहीं दूर हो कि कहीं नदी किनारे तो नहीं जा रहे, नहाने धोने कुंडे वगैरह जाते हैं यहाँ गर्म पानी पे। तो सर से हम 8-10 लड़के थे, बैठे ही थे, दुकान तो इतनी चलती नहीं, इतनी पॉपुलेशन तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हम दौड़ के लेंटर पर आए तो जैसे देखा तो वो सामने आ गया इसके पीछे साइड। अच्छा, उधर उसके पीछे सब पानी? हाँ सर, वहाँ पे उछला, इतना उछला कि
उसकी कोई हिसाब नहीं, वो एक चक्कर में उसने ऐसा ले आया यहाँ तक, तो हमने सीटी मारी वहाँ से 8-10 लड़कों से छत से, तो कुछ जो लोग उस साइड में थे वो तो भाग गए कुछ। वहाँ से आपको डैम दिखाई दे रहा होगा ये? हाँ सर वहाँ से दिखता है। अच्छा। हाँ तो वहाँ वहाँ का दिखता है, इस साइड का नहीं दिखता हमें। अच्छा। तो जो सीटी मारे 8-10 लड़कों ने, वहाँ से कुछ लोग तो भाग गए ऊपर को, यहाँ नीचे थे जो। हाँ सर। और जो जो सर सीधे में भागने की कोशिश की इस साइड को, वो लोग तो सारे निकल गए उसमें। हाँ इसी मलबे के साथ, हवाई से सर, हवाई से बह गए ना, जोर का जो धमाका आया जो हवा ऊपर से, हवा का भी फ्लो आता है। हाँ जी सर। अच्छा ये बड़ी बात है, जिस बहुत सारे लोगों को लगा है कि लोग पानी से ही बहे होंगे, नहीं, पानी का जब ग्लेशियर जब फटते हुए आता है तो आगे फोर्स आता है उसके। अब जैसे आपको इसको ऐसे समझाएं कि जैसे बम फटता है, बम फटता है तो आपको धमाका महसूस होता है दूर में भी, तो ऐसे आपको धमाका महसूस हुआ तो एक एयर का ब्लो आता है, एयर के ब्लो से भी कुछ लोग गिर गए इसके। सर उसमें सर ऐसा बदबू था जैसा ऐसा लग रहा था कि कोई बारूद का मात्रा हो, ऐसा धुआं महसूस हो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ललन टॉप इस समय तपोवन में है, जो डैम साइट है जहाँ पे रेडी से जो ग्लेशियर फटता है फिर नीचे आता है। तो ये डायग्राम है, ब्रीफिंग है, हमारे साथ कर्नल हेमंत कुमार हैं। इस पूरे डायग्राम को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि ये आर्मी का रेस्क्यू प्लान है, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। सर जी, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको पता लग रहा है कि किस टनल की संरचना क्या है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनलेट टनल्स हैं। डैम है सर जी, बिल्कुल, ये डैम है, ये आपकी SFT की इनलेट टनल्स हैं। इसके बाद ये आपका जो एडिट है जिसपे अभी काम चल रहा है, और ये मेन टनल है जहाँ पर संभावना है कि पहले तीन बंदे काम कर रहे थे, तीन आदमी यहाँ पर काम कर रहे थे और ज़्यादातर 34 आदमी यहाँ पर काम कर रहे थे। तो इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, हाँ, 34 इस एरिया में काम कर रहे थे, जिनका कि इस एस्केप टनल में होना जो है अभी संभावित है। मतलब एक टनल है जी, बिल्कुल, जो इससे जोड़ती है, बिल्कुल जी। तो अभी काम यहाँ पर चल रहा है जहाँ पर आप देख रहे हैं, मेन एफर्ट लगा हुआ है। हमने जो है अपने इसके अलावा काफ़ी कोशिश की है, अभी आज जो है मॉर्निंग में अगेन स्पेशलाइज्ड ग्रुप जो गढ़वाल स्काउट्स के हैं, उन्होंने जो है मेन अप्रोच से भी हाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर जो है अभी वहाँ पर जो है जो स्लश है और जो आपके पास बोल्डर्स हैं, मलबा जो है बोल्डर्स हैं, इसके अलावा आपके आयरन के काफ़ी सारे जो पीसेस आ गए हैं, उसकी वजह से यहाँ से अप्रोच अभी जो है हो नहीं पाई है। तो अभी हम इसी अप्रोच के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारे उम्मीद है कि हम जल्द से जल्द जो है इस 180 मीटर्स पर पहुँचे, जो ये टोटल डिस्टेंस 180 मीटर का है, जहाँ पर ये जो है एस्केप टनल यहाँ से आपकी जाएगी। यहाँ से कितना अंदर जा चुके हैं सर? करीब हम जो है 100 से 110 मीटर से आगे पहुँच चुके हैं। और यू आर हियर, हाँ, तो अभी हो क्या रहा है कि जितना हम इसको क्लियर कर रहे हैं अप्रोच स्लो हो रही है, बिकॉज यहाँ से वापस जो है मलबा थोड़ा जो है नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है, तो हमारी ग्रेडिएंट के हिसाब से ऊपर से नीचे आता जा रहा है मलबा इस टनल में से, हिसाब से नहीं, लेकिन जो आपका मलबा ऊपर तक भरा हुआ है तो जैसे आप उसको निकालेंगे वो हल्का हल्का पीछे की तरफ आता जा रहा है, सीपेज होता जी, बिल्कुल जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये 34% है, मैं दूसरी ब्रीफिंग्स देख रहा था आपकी जी, जी। आप ये होप कर रहे हैं कि जिस स्ट्रिक्ट एस्केप टनल में ये 34 लोग पहुँच गए होंगे जी, बिल्कुल, एंड दे वुड बी सेफ देयर जी। अभी जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इसका हेड क्लियर करना, और हम यही मान के चल रहे हैं कि जो बाकी जो अंदर जो लोग थे वो यहाँ तक आ गए हैं और वो अभी जो है हम उनको सेफली निकाल सके। बड़ी खबर में अब बात करते हैं बिहार में कैबिनेट विस्तार की। आज 9 फरवरी को बिहार की नीतीश कुमार सरकार में लंबे इंतजार के बाद विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का। 3 महीने पहले नवंबर 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, फिर सरकार बनी, तब नीतीश कुमार के साथ सिर्फ 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जबकि नियमों के अनुसार राज्य सरकार विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% तक को मंत्री बना सकती है। बिहार में 243 सदस्यों की विधानसभा है, तो मुख्यमंत्री के अलावा 35 और मंत्री हो सकते हैं, यानी पिछले मंत्रियों को छोड़ दें तो 22 नाम और लिस्ट में जोड़े जा सकते थे, लेकिन आज 17 लोगों को शपथ दिलाई गई, 9 भारतीय जनता पार्टी के और 8 JDU के। इसका मतलब भविष्य में यदि मुख्यमंत्री चाहें तो 4 और लोग मंत्री बन सकते हैं, यानी उपेंद्र कुशवाहा के वापस आने की संभावना अभी बनी हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो NDA के दूसरे घटक दल, दूसरे विधायक भी महत्वाकांक्षा पाल सकते हैं। हमारे साथी अभिषेक ने उन 5 चेहरों की पहचान की जिन्हें मंत्री बनाकर बिहार की सियासत में एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। सूची में पहला नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन का। अगर आप TV देखते हैं तो ये चेहरा जाना चीना लग रहा होगा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। GK का एक सवाल भी, जो बात कई बार दोहराई जा चुकी है, एक बार फिर से कह देता हूं। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लगातार दूसरी दफा और कुल तीसरी बार सरकार आती है भाजपा के नेतृत्व में NDA की, तो जो लोग मंत्री पद की शपथ लेते हैं उसमें कई नवेरे नाम होते हैं।
इस सूची में एक दो बरस के बाद ही एक नया नाम जुड़ता है, किशनगंज के पहली बार के सांसद और बीजेपी के उस वक्त लोकसभा में इकलौते मुस्लिम सांसद शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन जिनकी सियासत भारतीय जनता युवा मोर्चा से शुरू हुई, कहा जाता है कि उमा भारती के संरक्षण में उन्होंने सियासत का ABCD सीखा, फिर अटल बिहारी वाजपेयी के संरक्षण में आ गए। वो राजनीति में कई सीढ़ियां लांघते गए, अलग अलग पद मिले, खासतौर पर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री मिली, लेकिन 2004 में शाहनवाज चुनाव हार गए। उसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है 2005 के आखिर में, नीतीश कुमार आखिरकार मुख्यमंत्री बनते हैं, NDA की सरकार बनती है और भागलपुर के सांसद सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। ये सीट खाली हुई तो यहाँ पर शाहनवाज को उतारा गया, वो चुनाव जीते, ये उपचुनाव भी जीते, 2009 का चुनाव भी जीते, लेकिन 2014 में जब भाजपा फिर से देश का चुनाव जीती तब शाहनवाज हुसैन करीबी अंतर से चुनाव हार गए भागलपुर से। उनके करीबियों ने कहा कि अंदेशा था कि चुनाव हार सकते हैं क्योंकि अंदर खाने कुछ गुटबाजी भी थी, कुछ भाजपा के कद्दावर नेताओं का नाम लिया गया, लेकिन शाहनवाज हुसैन अपनी बारी का इंतजार करते रहे कि शायद राज्यसभा के रास्ते दिल्ली में वापस बुला लिया जाए। ऐसा हुआ नहीं, उनका नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चला लेकिन तब भागलपुर की सीट JDU के हवाले चली गई, फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में नाम चला और फिर नाम आया विधान परिषद के लिए, और एक बार फिर से सुशील मोदी की खाली की हुई सीट पर क्योंकि उन्हें राज्यसभा के रास्ते दिल्ली बुला लिया गया। शाहनवाज हुसैन को मंत्री क्यों बनाया गया? केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे 2 दशक पहले, अब राज्य में। कई लोगों ने कहा यह अटपटा है, फिर कहा गया बलवंत सिंह रामूवालिया को याद करिए, देवेगौड़ा और गुजरात सरकार में मंत्री थे, बाद में अखिलेश यादव की UP सरकार में राज्य में आकर मंत्री बने। शाहनवाज मुसलमानों की सैयद बिरादरी से आते हैं लेकिन जोर देकर कहते हैं कि मैं मुस्लिमों का नेता नहीं हूं, मैं बिहार का नेता हूं, देश का नेता हूं, इसीलिए BJP मुझे अलग अलग राज्यों में भेजती है। कहा जा रहा है कि भाजपा के कई कद्दावर नेताओं को या तो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया या सुशील मोदी के केस में दिल्ली बुला लिया गया, इसलिए एक अनुभवी चेहरा पटना रवाना किया गया। तो शाहनवाज हुसैन को नरेंद्र मोदी ने पुरस्कार दिया, अब नीतीश ने क्या किया? क्योंकि इससे पहले कोई मुस्लिम चेहरा मंत्रिमंडल में नहीं था, उन्होंने बसपा से JDU में आए बक्सर के चैनपुर से विधायक जमा खां को मंत्री बना दिया। सूची में दूसरा नाम संजय झा का, JDU के विधान परिषद सदस्य हैं, मिथिला इलाके से आते हैं, मैथिली भाषा में शपथ ली, नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, अरुण जेटली के करीबी हुआ करते थे। कहा जाता है कि जब नीतीश साथ आए भाजपा के पहले भी और बाद में भी, तब संजय झा ही वो संवाददाता हुआ करते थे जो संदेशों का आदान प्रदान करते थे। नीतीश कुमार 2017 में भाजपा के साथ वापस आए तो उनकी भी भूमिका बताई गई, उन्हें मंत्री बनाकर नीतीश कुमार ने मैथिल ब्राह्मण समाज को संदेश देने की कोशिश की, लेकिन भाजपा भी पीछे नहीं। कहा जाता है कि झंझारपुर के भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के बेटे नीतीश मिश्र के नाम पर नीतीश कुमार ने एतराज जताया था क्योंकि वो JDU छोड़कर BJP में गए थे, इसलिए फिर सहरसा में बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को हराने वाले BJP विधायक आलोक रंजन झा को BJP कोटे से मंत्री बनाया गया। सूची में तीसरा नाम है सुमित कुमार सिंह का, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, बिहार विधानसभा में ऐसे चुनाव जीतने वाले यानी निर्दलीय इकलौते विधायक हैं, लेकिन जीतने के बाद से ही नीतीश के साथ हैं, पुराने सोशलिस्ट परिवार से आते हैं, पापा और नीतीश चाचा दोस्त रहे हैं, इनके दादा श्री कृष्ण सिंह और पिता नरेंद्र सिंह दोनों बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। ऐसा कितनी दफा हुआ होगा कि 3 पीढ़ियां मंत्री रहे एक ही राज्य में। नरेंद्र सिंह लालू और नीतीश कुमार के कॉलेज के दिनों के दोस्त हैं। बताया जाता है कि सुमित को मंत्री बनाकर नीतीश ने कई निशाने साधे एक तीर से। पहला, दक्षिणी पूर्वी बिहार के राजपूत वोटर्स को साधना, क्योंकि इसी इलाके की जमुई सीट से भाजपा के टिकट पर दिग्विजय सिंह की बिटिया और इंटरनेशनल शूटर शेरसी सिंह भी विधायक बनकर आई हैं। दूसरी वजह, सुमित सिंह जमुई इलाके की चकाई सीट से विधायक है, ये इलाका चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र जमुई में पड़ता है, लेकिन सुमित और चिराग एक दूसरे को फूटी हाँक नहीं सुहाते और बताने की जरूरत नहीं कि चिराग और नीतीश के संबंध कैसे हैं। सुमित सिंह के पद को एक और चश्मे से देखा गया, कैबिनेट का कास्ट अरिथमेटिक। इस मंत्रिमंडल विस्तार में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व राजपूत समाज को मिला है, 17 नए मंत्रियों में 4 मंत्री समाज से आते हैं। सुमित के अलावा भाजपा से सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू और सुभाष सिंह मंत्री बने हैं, जबकि JDU से लेसी सिंह। सूची में चौथा नाम है सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी बिहार के बड़े कुशवाहा नेता रहे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी 6 दफा विधायक और 1 बार खगड़िया से सांसद रहे।
80 और 90 के दशक में शकुनी चौधरी को बिहार का कुशवाहा चेहरा माना जाता था और उनकी इसी ताकत को देखकर जॉर्ज फर्नांडिस उन्हें समता पार्टी में लेकर आए। 1995 के चुनाव में नीतीश और शकुनी की जोड़ी बनाकर लवकुश समीकरण भी बनाया, लेकिन बाद में शकुनी का नीतीश से मतभेद हो गया, पार्टी छोड़ दी। उसके बाद उनके बेटे सम्राट चौधरी बिहार सरकार में मंत्री रहे लालू के साथ, राबड़ी देवी की सरकार में रहे और बाद में जेडीयू में आ गए तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी रहे। अब भाजपा के विधान परिषद सदस्य हैं और बिहार की सियासत के लगभग हर घाट का पानी पी चुके हैं। तो भाजपा से कुशवाहा चेहरा मंत्री बन गया, ऐसे में नीतीश कैसे पीछे रहते? उन्होंने जेडीयू के टिकट पर बांका के अमरपुर से जीते युवा कुशवाहा चेहरे जयंत राज को मंत्री पद की शपथ दिलाई। पहले चर्चा थी कि उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में शामिल करवाकर मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक ये पॉलिटिकल ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो पाया है। सूची में पांचवा नाम है जनक राम का, भाजपा के कोटे से। जनक राम पहले बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले वो भाजपा में शामिल हो गए, गोपालगंज से लोकसभा का टिकट पाया और तब से उन्होंने अपने नाम में राम शब्द जोड़ा। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी गोपालगंज सीट गठबंधन धर्म की भेंट चढ़ गई। फिलहाल वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। अब मंत्री बनने के बाद 6 महीने के भीतर उन्हें सदन का सदस्य बनना होगा। जनक राम महादलित समाज से आते हैं, इसलिए माना जा रहा है कि भाजपा उनके बहाने नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाना चाहती है। और नीतीश, उनका काउंटर स्ट्राइक क्या रहा? उन्होंने गोपालगंज की भोरे सीट से विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी सुनील कुमार को मंत्री बनाकर महादलित समुदाय को अपना संदेश भी दे दिया। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में गोपालगंज जिले की चांदी रही। इस जिले के 3 लोगों को सुभाष सिंह, जनक राम और सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया। साथ ही जाति और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल भी रखा गया। इसके अलावा जेडीयू ने भूमिहार समाज से आने वाले अपने प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार और बीजेपी ने चंपारण इलाके से वैश्य समाज से आने वाले प्रमोद कुमार और नारायण प्रसाद को मंत्री पद दिया। वहीं पटना की बांकीपुर सीट पर शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराने वाले जो वहां के सिटिंग विधायक भी थे नितिन नवीन, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। शहरी मध्यवर्ग का अहम हिस्सा कहे जाने वाले कायस समाज को कैबिनेट में इसके जरिए स्थान दिया गया। ये सब भाजपा के भविष्य के चेहरे हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा और उन्हीं की तरह कुर्मी बिरादरी से आने वाले जेडीयू विधायक श्रवण कुमार को भी मंत्री बनाया गया। वो पहले भी नीतीश सरकार में मंत्री रह चुके हैं। आपको ये सब सुन के एक मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये सब नेताओं के जाति समूह को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम जब बिहार के चुनाव में घूमते हैं, टिकट वितरण देखते हैं, लोगों की बातचीत सुनते हैं और फिर मंत्रिमंडल का संयोजन देखते हैं, तो कोई इसे जाति की प्रतिबद्धता कहता है, कोई ज़रूरत कहता है, कोई सोशल इंजीनियरिंग कहता है, लेकिन एक बड़ा सत्य है कि कुछ दफ़ा प्रतिभा की वजह से और कुछ दफ़ा प्रतिभा प्लस परिवार प्लस समर्थन और जाति की वजह से नेताओं को चुना जाता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन विदा से पहले बारी सकारात्मकता की। ये वीडियो देखिए, सेना। ये शब्द सुनकर एक चितकबरी वर्दी दिमाग में आती है और एक सख्त चेहरा, हाथ में संगीन। लेकिन पिछले 2 दिनों से सेना का ये चेहरा वायरल है। इस वीडियो को सोल्जर एथन नाम के एक ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया है। 8 फरवरी की शाम से लोग यही बात कर रहे हैं कि भैया ड्रमर हो तो सिपाही सैम के डैनियल जैसा। सेना को लेकर कहा जाता है कि ये प्रोफेशन नहीं पैशन है, यानी पेशा नहीं शौक है, जुनून है। सैम के डैनियल ने अपने शौक के साथ एक और शौक के लिए वक्त निकाला, तो उनके हवाले से आज का सबक कि चाहे जो हो अपने शौक को कभी मत छोड़िए, ये आपको शोक से दूर भी रखता है। इस सबक के साथ नत्थी है एक निवेदन, हमारी नई पेशकश और नारी। इस दुनिया को औरतों की नजर से देखने का, उनकी बात करने का, उनकी बात को समझने का एक नया प्रयास। आप हमारा और नारी शो देखने के लिए यूट्यूब पर या फेसबुक पेज पर जाएं और नारी सर्च करें और वहां पर आपको और नारी शो मिलेगा। इस शो पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। ये शो सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे आता है। फिलहाल हम जाते हैं, आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। 18 साल की एक लड़की छत्तीसगढ़ के जशपुर में रहती थी, पिता के साथ खेती में हाथ बटा दी थी। कुछ दिन पहले उसे मध्य प्रदेश लाया गया, फिर कुछ ऐसा हुआ कि लड़की दोबारा अपने घर कभी नहीं लौट पाई। एक एक करके उसे करीब 6 से 7 बार बेचा गया, किसी वस्तु की तरह बेचा गया। आई रिपीट, 7 बार। ये बात इतनी डरावनी है कि यही खत्म हो जाती तो अच्छा था, हमें और कोई जानकारी ना होती तो अच्छा था। लेकिन हमारे बनाए समाज की सच्चाई अगर हमें जाननी है तो आगे जानना ही होगा। ये जानना होगा कि टूटकर इस लड़की ने सुसाइड कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हिंदी में कहें तो मानव तस्करी से जुड़ा हुआ है। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना
कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर वन औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।